हाय गाइस, डिस्क्लेमर देना था, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो पूरी देखना। कल वीडियो क्यों नहीं आई थी, रीज़न मैंने आगे वीडियो में बता दिया है कि क्यों नहीं डाली थी मैंने। एंड हमारा कल और आज का मिला के प्रॉफिट हुआ है 10,100 समथिंग कुछ का, राउंड फिगर 10,000 लगा लीजिए। और कल का प्रॉफिट था 3,500, आज कमाए 6,500 पेपर ट्रेड में वही टेस्टिंग करके। लेकिन हमें इस बार हमने EMA से स्टार्ट किया, 9 और 15 का है, मतलब 9 कैंडल का और 1 15 का, उनकी लेंथ इतनी है, 2 EMA यूज़ किए। एंड देखना वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं लास्ट में। हाय गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? मंडे को वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि फर्स्ट वीडियो पे कोई इतना अच्छा खास रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट टाइप कर लो। आज ट्यूसडे है, अच्छी मार्केट थी आज, आज करीबन प्रॉफिट बना दिया हमने अच्छा खासा। कल का प्रॉफिट 3,500 था, सब लॉस वगैरह काट पीट के, और आज का भी निकाल लिया हमने। आज वैसे नेट प्रॉफिट चल रहा है 10,315 का हमारा, कल और आज का मिला के। एंड देखते हैं, अभी तो मार्केट में आज कुछ खास ट्रेड नहीं लिए, मतलब बीच में अभी अच्छा खासा लॉस भी हुआ था, और एक ट्रेडर भाई बैठे अच्छा खासा कमा के बैठे हैं। तो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे था, SL थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था लेकिन उस हिसाब का प्रॉफिट भी था, तो 1:2 का हमने इसमें प्रॉफिट निकाला था। हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब क्रॉस करके फिर सेकंड वाला भी क्रॉस कर दिया था, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ इतना था और SL इस कैंडल का लो था, एंट्री यहाँ पे थी। तो इसमें हमने 2 एंट्री ली थी, कहना स्कैल्पिंग करते हैं तो यार छोटा छोटा प्रॉफिट निकालना पड़ता है बीच में, ज़रूरी नहीं है पूरा ही ट्रेड लें। तो पहला कहाँ से शुरू है आज का? आज का यहाँ से पहला प्रॉफिट था हमारा 1185 का, सेकंड 1055, और थर्ड वाला ये जो 3,000 का है ना, वो यहाँ पे हुआ था सेकंड ट्रेड में, ये यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा इतना था और SL छोटा सा था, लेकिन इस कैंडल ने थोड़ा दिक्कत कर दी, एकदम से नीचे आई थी, तो मार्केट जब तक क्लोज करता तब तक 3,000 का लग चुका था। तो और उसके बाद हमारा ट्रेड था ये वाला, इसके अंदर भी हमने 2 से 3 एंट्री ली थी, और जो 2 से 3 एंट्री है वो ये है, ये 2 ही एंट्री ली है। एक तो है 1470 का प्रॉफिट है एक में, और एक में 1820। इसके बाद निफ्टी में हमारा मैंने लगाया था एक, उसमें थोड़ा सा दिख रहा था कुछ, उसमें 650 का लॉस, और उसके बाद फिर 1560 ये सब हमारा प्रॉफिट इसमें हुआ, इसमें एक ही कैंडल में हुआ, एक ही कैंडल में हमने निकाला था इतना। और इसके बाद यहाँ पे भी हमने इन 2 कैंडल्स में भी अभी प्रॉफिट निकाला है, जो कि ये रहा कुछ 820 का, एक 1680 का। तो नेट हमारा 2 दिन का है 10,315। और तो गाइस, का फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पेपर ट्रेड है, जैसे कि हमारी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग अभी सही चल रही है, जो भी इंडिकेटर जो भी स्ट्रेटेजी हमारी सेट बैठती है आगे हम उसे रियल मनी से फॉलो करेंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा था कि हमारा आज का 6,500 का प्रॉफिट हुआ था, कल 3,500 का था। एंड हम आगे अब ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि क्या है ना, मोस्टली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम मार्केट से पैसा लेते रहे, और एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम उन्होंने चाहे ना 12 बजे तक कितना प्रॉफिट कमा लियो, 1 बजे तक कितना कमा लियो, लेकिन ना वो आगे अपना ओवर ट्रेडिंग करके वो सारा अपना प्रॉफिट एकदम माइनस में कर देते हैं, एकदम जो ग्रीन क्लोजिंग होनी होती है ना उसको रेड क्लोजिंग में कर देते हैं। तो यही है बस कि क्या नाम है, ओवर ट्रेडिंग ना करें। और अभी जैसे कि हमारे अभी भी सेटअप बन रहा है, सेटअप बनने का तो क्या है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, मार्केट का वही बात है भाई, हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। जैसा कि सेटअप बन रहा है, अभी ये सेटअप बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और टारगेट अभी ये है ऊपर का, और ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है बहुत देर से। और EMA जो है, आज हमने EMA यूज़ किया था, EMA को यूज़ कर करके यहाँ पे पहले तो इसने ब्रेकआउट दिया था, एक फेक ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना के, उसके बाद जितनी भी है ना यहाँ पे 9 और 5 का ये EMA यहाँ पे सपोर्ट लेता जा रहा है, EMA का सपोर्ट ले लेगा इसने। फिलहाल मार्केट यहाँ पे है एंड नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, लेकिन अभी हमने ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि कहना है अगर फेक मनी से भी कर रहे हैं तो कम से कम अपना जो एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि हम कल को अगर रियल मनी लगाएं तो उसमें भी हमारा लॉस ना हो। और ये भाई का लैपटॉप है, भाई का भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ आज, भाई की जो एंट्री थी वो काफ़ी पहले ही थी मेरे से, भाई थोड़े वही बात है एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं भाई, तो उनका SL सिर्फ एक ही कैंडल का था, उन्होंने पोजीशन अपनी होल्ड करके रखी थी, उन्होंने अपना डे हाई का अपना प्रॉफिट रखा और उनका टारगेट अचीव हो गया, वहाँ पे उन्होंने एग्जिट कर दिया। हालांकि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन
वही बात है, हमारे जब टारगेट अचीव हो जाते हैं ना तो मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि हमने जितना कमाया होता है ना बाद में ओवर ट्रेडिंग की वजह से सब लग ही जाता है बाद में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरी देखी होगी और अच्छी भी लगी होगी। जिस भाई को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी। एंड अगर कुछ और पूछना हो कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई इंडिकेटर के बारे में पूछना हो, कोई अगर सजेस्ट करना हो कि आगे वीडियो इस इंडिकेटर पे आए, तो वो भी कर देना कमेंट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, कल मम्मी और आ जाएंगे तो कल से वीडियो रेगुलर मतलब अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी कल से। सो मिलते हैं कल।